नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ में हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। तो आज का जो हमारा विषय है वो है जामुन के पेड़, उसके फल तथा उनसे होने वाले लाभ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जामुन का पेड़ है और इस एक जामुन के फल के इतने फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। इसके सबसे बड़ी बात कि आप इसको मार्केट में, बाज़ार में आप बेच सकते हैं अच्छी तरह से इसकी पैकिंग वगैरह करके। अगर फिर भी अगर नहीं बिकता है या मार्केट नहीं है आपके पास में, नज़दीक में, तो आप इसका सिरका बनाकर बेच सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि आप कैसे आप इसका सिरका बना सकते हैं, किस तरह से आप इसको, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो भी आप काम में ला सकते हैं, और किस तरह से आप इसमें एक अच्छा मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने ये जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ी हैं, उसके बाद में हम इनको डब्बों में पैक कर रहे हैं, जिससे कि हम इनको बाज़ार में बेचकर एक अच्छा मुनाफा ले सकें। तो अगर किसी भाई के पास में मार्केट नहीं है तो वो, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, तो इन जामुन को तोड़कर इनको तीसरे दिन जो है उनको एक कपड़े में इस तरह से निचोड़ लें, जिससे कि इसका रस निकल जाएगा, और ये जो है आप पैक करके सीसी में भरकर जामुन के सिरके के नाम से आप बाज़ार में दे सकते हैं। बहुत सारे आज लोग बीमार हैं, जो शुगर, मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो अगर आप आजकल मार्केट में देखते हैं तो जामुन की कीमत आप 100 रुपये से 150 रुपये किलो तक है। तो यदि आपकी जामुन अच्छे भाव में नहीं बिकती है, अच्छे प्राइस में नहीं बिकती है, तो आप जामुन का सिरका बना सकते हैं, जिस तरह से इसमें वीडियो में दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, आप जो जामुन है ना, वो तोड़ के आपको रख लेनी है जब अच्छी तरह से पक जाए, और पकने के बाद में इसको तीसरे दिन ये जो है पानी छोड़ने लगती है, तो इसको आप सूती कपड़े की सहायता से इसको छान लेंगे, इस तरह से निचोड़ लेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। निचोड़ने के बाद इसको अपनी बोतलों में पैक करके और इसको आप सेल कर सकते हैं। अभी जो एक कम से कम अगर मैं प्राइस आपको बताऊं, तो जामुन के सिरके की कीमत इस समय बाज़ार में 250 रुपये प्रति किलो है, और ये बेस प्राइस है, और ये 250 रुपये से अगर किसी का ज़्यादा ही अच्छा है तो वो 500 रुपये किलो तक का इसका मूल्य है। बट लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी जो जामुन है वो देशी होनी चाहिए। जो देशी जामुन है उसी के सिरके, जामुन गुठलियाँ तथा छाल का लाभ है। और देखिए, आपने जामुन का सिरका तो निकाल लिया, रस उसका निकाल लिया है, अब बची हैं उसकी गुठलियाँ। तो जो गुठलियाँ हैं उसकी गुठलियाँ भी आप सेल कर सकते हैं। इन गुठलियों को आपको धूप में सुखाना है, और जब ये सूख जाए अच्छी तरह से, तो इनको मिक्सी में ग्राइंड करके इनका चूर्ण बनाकर आप जो है वो बाज़ार में बेच सकते हैं, या फिर इसका चूर्ण बना सकते हैं। और मधुमेह के रोगियों को इसको लेना कैसे है मैं बता देता हूँ। इसमें इसका चूर्ण बना के इसमें मेथी दाना, आपको सपोज़ आप 100 ग्राम जामुन की गुठलियों का बना रहे हैं, तो 100 ग्राम की जामुन की गुठलियों में आपको 50 ग्राम मेथी दाना मिलाना है, 50 ग्राम आपको पत्थर बेल के पत्र मिलाने हैं, और इसमें आप ज़ीरा आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो, नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और आम के पत्ते सुखाने के बाद उनको सबको एक साथ मिलाकर आपको ग्राइंड कर लेना है, और सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच यानी कि 10 ग्राम आपको लेना है,
जिससे कि आप देखेंगे एक माह में ही आपका स्वास्थ्य जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ आपके सामने।